हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग आ गए थे अपने राजस्थान टूर पे, और उसमें हम उदयपुर घूमे थे। एक्चुअली मेरी ना नंद रहती है ब्यावर में, राजस्थान में। तो हम लोग कुछ दिन उनके यहाँ रुके थे, दो दिन उनके यहाँ रुके थे, फिर हम उदयपुर आ गए थे, और फिर नेक्स्ट डे फिर हम आ गए थे ब्यावर, और फिर उनके साथ में हम लोग घूमने गए थे जैसलमेर। तो हम लोग पूरी दो फैमिलीज थी, और हम लोगों ने जैसलमेर में जो मज़े किए ना, जो एंजॉय किया ना, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। मेरी नंद और उनके हस्बैंड, उनके बच्चे। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं जीप सफारी पे, डेजर्ट सफारी पे। तो जाते ही ना, क्योंकि एक्चुअली हमको लेट हो गया था, हम लोग 5 बजे पहुँचे थे शाम के। तो हमने रोड ट्रिप की थी ब्यावर से, हम सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था, और आते आते 4:30 तक हो गए थे। तो कहा कि चलो चलो चलो, टाइम हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले हम जीप सफारी में ही आके बैठ गए थे। और यहाँ पर जो मज़े आ रहे थे ना, माई गुडनेस, और खड़े होकर तो जीप में ना और ज़्यादा मज़े आ रहे थे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर, उन्होंने सर छोड़ दिया था, इतना खूबसूरत डेजर्ट था ना ये। मैं जब दुबई गई थी ना, तो दुबई में और ये भी एक जैसे सेम था, वहाँ पे ऐसे कैंप हुआ करते थे, यहाँ भी ऐसे कैंप था, डेजर्ट थे सब तरफ, डेजर्ट डेजर्ट सा था। वहाँ भी हमने कैंप सफारी करी थी। मैं ना लिंक दूँगी आपको अपने दुबई वाले व्लॉग का। तो अच्छा था यार, बहुत मज़ा था रिधान को। तो सैंड मतलब उसे कुछ, वो तो ऐसा बेपरवाह सा हो गया था, उसे कुछ नहीं चाहिए ना, उसे मम्मी पापा कुछ नहीं चाहिए, वो तो एकदम मस्त एकदम ना, वो पूरा रेत में खेल रहा था, सैंड में खेल रहा था वो पूरे टाइम। तो यहाँ पर ना वो उनके बच्चे, बच्चे बड़े बड़े हैं, लेकिन हाँ रिधान ना उनके साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। और यहाँ पर सब बच्चों ने ना पैरा सेलिंग करी थी, रिधान ने भी पैरा सेलिंग की थी। तो रिधान की ना ये दूसरी एडवेंचर एक्टिविटी है, और इससे पहले ना आपने अगर मेरा नैनीताल वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसने ना जिप लाइन भी करी थी, और यहाँ पर उसने करी है पैरा सेलिंग अकेले, खुद से। खुद से क्या मतलब, हम में से कोई नहीं था, मैं और या उसके पापा में से कोई भी नहीं था, बस जो उनका ऑपरेटर होता है, उनका जो हेल्पर होता है ना, वो था, और उसने हमको ये वीडियो बना के दी थी। और इतनी उसको डर नहीं लगा रिधान को ना, वैसे हर जगह उसको चाहिए कि मम्मी पापा चलो मेरे साथ चलो चलो, लेकिन यहाँ वो आराम से चला गया था उनके सास के, उसके साथ में, और उन्होंने ना ये वीडियो बना के दी, और उसे बहुत इन्जॉय किया। मतलब मुझे डर लग रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा, इतना बहादुर बेटा है ना मेरी, मतलब डरपोक मम्मी का बहादुर बेटा। और बच्चों ने की थी थोड़ा सा ना, आप ना बार्गेन कर सकते हैं यहाँ पर, ये उन्होंने वहाँ 800 रुपीज़ की दी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ा बार्गेन करते तो थोड़ा सा और सस्ता हो जाता। तो बस उसके बाद रात हो गई थी, और हम आ गए थे अपने कैंप में, और कैंप के बाद में इन्होंने हमारा वेलकम किया था, वेलकम ड्रिंक, मतलब राजस्थान कल्चर के हिसाब से वेलकम वगैरह किया था। और उसके बाद में शाम को जो है, जो ये कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुए थे ना, उसके जो राजस्थानी डांस, राजस्थानी खाना और बॉनफायर, वो बहुत ही अच्छा था। जिस दिन हम गए थे ना, वो था ये 23rd या 24th December की बात होगी, तो उसके अगले दिन बहुत भीड़ हो गई थी। उस दिन भीड़ नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत भीड़ थी, क्योंकि क्रिसमस हो गया था शुरू, क्रिसमस और ऊपर से लॉन्ग वीकेंड भी टाइप्स भी था। तो यहाँ पर ये राजस्थानी फोक डांस चल रहा है, और म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, बॉनफायर थी, बहुत अच्छा सा माहौल था। और यहाँ पर ना मैंने कहा यार, वो उसने ना ये सारे मटके रखकर डांस किया था, तो मैंने कहा था यार मुझे भी ट्राई करना है, मुझे भी ट्राई करना है, तो मैंने ये भी रखा था, और ईजिली हो गया था, टफ नहीं लगा, बट हाँ ठीक है, हमको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, हम छोड़ के ऐसे डांस वांस नहीं कर सकते, बस ठीक है। मैंने कहा मुझे ना ट्राई करके देखना है कैसा फील होता है। और ये था हमारा डिनर, बिल्कुल राजस्थानी डिनर, चूरमा बाटी पूरा उस टाइप का ही, बेसन गट्टे की सब्जी। तो आज है हमारा जैसलमेर में डे 2। कल रात हम स्टे किया था इन टेंट्स में ही, हमने स्टे किया था, यह है जैसलमेर के सैम ड्यून्स टेंट। यहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ पर ये सारे टेंट्स हैं, मतलब आपको जो भी स्टे मिलेगा ना, यहाँ पर इस तरह के टेंट्स आपको खूब मिल जाएंगे। तो हमने कल ना ब्यावर से स्टार्ट किया था, ब्यावर से करीब हम 8 बजे हम निकले होंगे, और 8 बजे हम रोड ट्रिप की थी, जैसलमेर पहुँचे हम करीब 4 बजे, क्योंकि बच्चे थे यार साथ में, तो ना बड़े रुकते रुकते हम लोग यहाँ पर आए थे, 2 बार रुके थे, आधा पौन पौन घंटा बीच में ऐसे एक आध ब्रेक और लिया था, और 4-5 बजे पहुँच गए थे। और पहुँचते ही ना हम लोगों गए थे वहाँ पर डेजर्ट सफारी में, बड़ा मज़ा आया था। रिधान ने तो पैरा सेलिंग करी थी यार, और बच्चों ने पैरा सेलिंग की थी, हम लोगों ने नहीं की थी। तो ये है उमराव कैंप्स, ओके कैंप्स है, बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत अल्ट्रा हाइजीनिक टाइप्स के हैं, तो शायद आपको पसंद आए, पर आई थिंक सारे कैंप्स यहाँ पर ना इस टाइप के होते हैं, ये सारे इस टाइप के ही मिलेंगे आपको। अच्छा है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था बस। और
यहाँ पर फोक कल्चर जो प्रोग्राम्स हुए थे वो यहीं पर हुए थे रात को, जो यहाँ पर बोन फायर वगैरह लगी थी यहीं पर थी। तो ये कैंप्स हमको पड़े थे, हमने दो रूम्स बुक किए हैं, दो फैमिलीज़ हैं हम लोग, मेरी ननद और हम लोग। तो हमको ये उन्होंने शायद 7000 में दो टेंट्स दे दिए, इसमें ब्रेकफास्ट, डिनर, कल्चर प्रोग्राम, सफारी, डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, वो सब कुछ इंक्लूडेड था। तो बहुत अच्छा हमको ऐसा लगा कि हाँ, हमको बहुत सस्ता था पड़ गया ये वाला। और अभी हम जा रहे हैं लौंगे वाला पोस्ट, तो यहाँ से 150 किलोमीटर से, और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तनोत माता का टेम्पल है। अगर और हमारे पास टाइम हो पाया तो हम कुलधरा विलेज जाएंगे, जो कहते हैं पूरा वो बिल्कुल ही वो ना उजाड़ हो चुका है वो विलेज, बहुत साल 1800 या 1800 या 1900 में वो उजाड़ हो गया था वो वाला। एक ऐसा विलेज है जो अब स्टोरीज़ हैं कि उनको भूतों ने भगा दिया है, टाइप्स टाइप ऐसा कुछ है। तो बस अभी हमारा है ब्रेकफास्ट का टाइम और हम लोग निकल रहे हैं। बस मस्त, मतलब जैसलमेर ना मुझे उदयपुर से ज़्यादा अच्छा ना जैसलमेर लग रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है ना वो पूरी येलो बिल्डिंग्स है, पूरे येलो स्टोन्स का काम है, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा कि हाँ, मैं कुछ नई जगह आई हूँ। और डेजर्ट तो होते ही मस्त है। चलो टाइम फॉर कैमल सफारी। हाँ हाँ ऑन है, थोड़ा सा अच्छा साइड में नहीं आओगे ना आप लोग? लहरिया डिजाइन है, कितना सुंदर डिजाइन है, ये हवा से बना हुआ है। ऊपर जाके पीछे हो जाओ, और जब ऐसे नीचे जाओ तो लहरिया लहरिया खाली बोलते हैं। तो अभी मैं हूँ लौंगे वाला पोस्ट पे, जो कि सैम ड्यून्स से पड़ता है करीब 140 किलोमीटर्स, और ये है पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। जो लौंगे वाला पोस्ट है ना, यहाँ पर जब 1971 में या 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई थी ना, तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान की फोर्सेस थी वो यहाँ तक आ गई थी, और उसके बाद में जब इंडियन आर्मी ने उसको पीछे तक खदेड़ दिया था, तो लेकिन वो लोग अपने ना ये टैंक्स वगैरह सब छोड़ गए थे, तो ये सब वही टैंक। क्योंकि ये वाला जहरीला कुआ है, पॉइजन कुआ, पॉइजन रहता है इसके अंदर, जहर है। और यहाँ पर ना जगह जगह बंकर्स भी हैं, तो ये पीछे ना ये बंकर है, मेरे सामने भी बंकर है। और इस लौंगे वाला पोस्ट के बाद हम लोग निकल रहे हैं तनोत माता के टेंपल, जो इंडिया का सबसे लास्ट टूरिस्ट प्लेस है, उसके बाद बिल्कुल भी कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, फनी सी लकड़ी उसके। और ये है तनोत माता का मंदिर, बस ये लास्ट है। और अब मैं हूँ राजस्थान में, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इसके पीछे ना पूरी इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है, पीछे ना पूरी इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई है, पूरे में एक करंट है, इससे आगे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे हैं। तो ना हम लोग भी वापस आ गए हैं बॉर्डर से, और यहाँ पर ननौत मंदिर है ना, यहाँ से आपको पास इश्यू होता है, बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी, 4 बजे बंद हो जाता है, तो
बस हम ये समझ ले हमारे लास्ट टाइम पे हम लोग थे, फटाफट हमको मिल गया था। और ये गाड़ी का नंबर नोट करते हैं यहाँ पे, पास देने से पहले गाड़ी का नंबर ये सब नोट किया जाता है, एक आई कार्ड, वैलिड आई कार्ड चाहिए होता है। थोड़ा सा भूख लग रही है यार, अब कुछ खाया नहीं था, तो 4:30 हो रहे हैं और हम लंच करके फिर कैंप की तरफ निकलते हैं। आया आया। तो हम लोग बस यहाँ से अपना चेकआउट कर रहे हैं। कल हम ना इसी टेंट पे रुक गए थे, पहले हमारा प्लान था कि हम जैसलमेर में स्टे करेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा यार जैसलमेर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मज़ा यहाँ पर टेंट में है ना वो वहाँ शायद नहीं मिलेगा, तो हमने थोड़ा सा अपना स्टे यहीं पर एक्सटेंड कर लिया था। और इसके बाद हम निकल रहे हैं कुलधरा, एक विलेज है जो बिल्कुल उजाड़ हो चुका है, वहाँ जाएंगे और एक दो स्पॉट्स और हैं वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधे बीकानेर, सॉरी नॉट बीकानेर, ब्यावर। तो उसके बाद सीधे हम जाएंगे ब्यावर। तो ये लोग गए हैं पूरा बिलिंग करने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट डे था ना वो 7000 का पड़ा था। फाइनली हमको टू टेंट्स, ये वाला टेंट और एक ये, टू टेंट 7000 के थे। उसमें कल्चर एक्टिविटीज़ थी, डांस था, कैमल राइड और सफारी, डेजर्ट सफारी, ये सब थे 7000 में, टू रूम्स का, 7-6 बड़े एक बच्चा टाइप्स का। और क्योंकि कल हम स्टे किया था, कल हमने सिर्फ हाँ ब्रेकफास्ट डिनर भी इसी में है, तो कल हमने जैसे जीप सफारी वगैरह ये सब नहीं ली, कैमल राइड नहीं ली एक दिन की, तो शायद वो कम हो जाएगा। तो उसका पेमेंट करने गए हैं, बहुत अच्छी राइड, मतलब जैसलमेर इज़ ऑसम यार, हेवन है सही में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ना ये बाइक राइड वगैरह हो रही है जो डेजर्ट में होती है, तो ये ना यहाँ पर ना ये सब जो इसमें पता है बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है, तो इन्होंने स्टार्टिंग की थी 700 से, फाइनली हमने बार्गेन किया है 500 पे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कम में भी बहुत इजीली हो जाती। पैरासेलिंग में भी जो हमने कल पैरासेलिंग की थी उसका प्राइस था 800 और यहाँ पर ये 700 बोला था, थोड़ा कम करने के लिए बोलते तो शायद और कम कर देते। तो आप जब भी यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ करें ना, तो बार्गेन ज़रूर करें, मतलब बिल्कुल सीधे हाफ प्राइस पे आ जाओ आप लोग, शायद आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाए। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जब हम निकल रहे थे, हमने 2 नाइट का स्टे किया था जैसलमेर में, जब हम निकल रहे थे तो हम वापस ब्यावर जाते हुए हम आ गए थे कुलधरा विलेज में। तो ये पूरा उजाड़ विलेज है, तो वहाँ पर आ गए थे और उसके बाद में हम आए थे जैसलमेर वार म्यूज़ियम में, और वहाँ पर मैंने ट्राई किया था ये दाल पापड़, ये भी राजस्थानी डिश है, बहुत टेस्टी बहुत यमी होती है, और काफ़ी 100 मतलब मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर हम और चले होंगे। तो ये था रामदेवरा मंदिर, तो दीदी और जय जी कह रहे थे उनका बहुत मन है, वो करीब 10-12 सालों से राजस्थान में रह रहे हैं, और रामदेवरा मंदिर ना राजस्थान का बहुत फेमस मंदिर है, मतलब फागुन के महीने में ना बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है, तो उन्होंने कहा कि उनको वहाँ भी दर्शन करने हैं। तो ठीक है, हमने भी दर्शन कर लिए थे। तो ये थी हमारी जैसलमेर की ट्रिप, आई होप आपको पसंद आई होगी।